अच्छा जी, अब आप ये बन सकते हैं तो मैं आप सबको गुजारिश करूंगा कि एक ये वाला क्वेश्चन जो है वो ट्राई करें, इसको ट्राई करें, देखें क्या कह रहे हो। जी तो मुझे पता है कि आप में से कोई भी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया होगा, या कर पाया है कोई? नहीं कर पाया, कोई मसला नहीं, हम मिलके इसको देख लेते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, यार वो कह रहा है कि देखो, ए है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन एक एक्सपेरिमेंट में ये है, बी है जिसकी ये है उसका रेट ये है। अब ए और बी का देखें कि आपके पास तीन एक्सपेरिमेंट्स हैं और तीन एक्सपेरिमेंट्स में डिफरेंट रीडिंग्स दी हुई है उसको, उसने जो तीन डिफरेंट रीडिंग्स दी हुई है उसको आप देखें और उससे आपने विद रिस्पेक्ट टू ए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, विद रिस्पेक्ट टू बी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, दोनों को ऐड करेंगे ओवरऑल ऑर्डर आ जाएगा, फॉर्मेट ऑफ द रेट इक्वेशन और वॉल्यूम एंड यूनिट्स ऑफ द रेट कॉन्स्टेंट निकालने है। इतनी सारी चीजें आपने फाइंड करनी है, तो टाइम जाया किए बगैर हम आगे चलते हैं। देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ना करता हूँ, सबसे पहले हम ऑर्डर और रेट इक्वेशन निकालते हैं। ठीक है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, सबसे पहले ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए करेंगे तो एक्सपेरिमेंट थ्री को एक्सपेरिमेंट वन के साथ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एक्सपेरिमेंट थ्री डिवाइडेड बाय वन। ठीक है, अब आपको पता है कि रेट इज इक्वल्स टू के, ए ए छोटा ए यानी कि ऑर्डर, बी और छोटा के। रेट आपके पास थ्री में क्या है, एट है, के ए 0.50 ए, बी 0.25 बी। एक्सपेरिमेंट वन में रेट जो है वो फोर है, इज इक्वल्स टू के 0.25 ए और 0.25 बी। अब इन दोनों को जो है वो आपने डिवाइड करना है, तो ये और ये कैंसिल हो जाती हैं, ये और ये भी कैंसिल हो जाती हैं, ये और ये डिवाइड होकर टू आता है। 0.5 डिवाइडेड बाय 0.25 करें तो क्या आता है, 0.5 टू आता है, तो टू रेज पावर ए, और ये तो कैंसिल हो गया, तो टू इज इक्वल्स टू 2a, तो a क्या होगा, तो ये भी क्या होगा, वन, टू रेज पावर वन टू होता है, तो टू a विल बी वन। ठीक है, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है, a आपके पास आ गया वन, तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a इज वन। ठीक है, अब ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b देखते हैं। ठीक है, ये नोट डाउन कर लिया आपने, मैंने अरेज कर दिया। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना होगा तो टू डिवाइडेड बाय वन करेंगे, एक्सपेरिमेंट टू डिवाइडेड बाय एक्सपेरिमेंट वन। ठीक है, सो टू डिवाइडेड वन, वन में आप वही इक्वेशन लिखो, रेट इज इक्वल्स टू के ए ए बी बी। अब ए की जगह छोट स्मॉल ए की जगह वन नहीं लिखना, ए ही लिखना है। एक्सपेरिमेंट टू में रेट क्या है, एट, के की वैल्यू ऐसी है, ए 0.25 ए, बी 0.50 बी। रेट एक्सपेरिमेंट वन में फोर, के 0.25 ए 0.25 बी। डिवाइड कर दो अब दोनों को, तो फोर डिवाइड बाई एट टू, के कैंसिल हो, ये और ये भी कैंसिल हो गए, 0.5 डिवाइडेड बाई 0.2 टू आता है, तो टू रेस्ट पावर बी है और टू रेस्ट पावर वन है, तो बी इज इक्वल टू वन, तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी इज वन। ऑर्डर ए भी वन था, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी भी वन था, तो ऑर्डर विद ओवरऑल ऑर्डर जो है वो क्या हो गया आपके पास, वो वन प्लस वन इज इक्वल टू टू। फॉर्मेट ऑफ द रेट इक्वेशन, तो रेट इक्वेशन का फॉर्मेट क्या हो जाएगा,
फॉर्मेट ऑफ द रेट इक्वेशन तो हमने ये दिखा दिया ना कि आप इस तरह सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो फॉर्मेट ऑफ द रेट इक्वेशन, रेट इज इक्वल्स टू के ए बी, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब वो कह रहा है कि वॉल्यूम एंड यूनिट्स ऑफ द रेट कांस्टेंट। अच्छा जी, आपने देख लिया कि रेट इज इक्वल्स टू के ए बी, या आपने रेट इक्वेशन। अब इस टेबल में से रेट जोन सा ले ले, ठीक है, जोन से एक्सपेरिमेंट की रीडिंग ले ले, ठीक है। मैं आपको जैसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से करके दिखाता हूँ कि रेट अगर 4 है तो के इंटू 0.25 इंटू 0.25, तो के आपके पास 64 आता है, यूनिट्स मोल -1 डीएम -3s -1, ठीक है। अच्छा, विद एक्सपेरिमेंट टू भी अगर आप देख लो, विद एक्सपेरिमेंट टू 64 0.25 0.5, ठीक है, तो रेट की क्या वैल्यू आती है 8, और एक्सपेरिमेंट टू में रेट क्या है 8 है, ठीक है। सो इसका मतलब कि ये है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है, ठीक है। अब इसी तरह आप ये नोट कर, जी इसको आप नोट कर लें, फाइंडिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बाय यूजिंग इनिशियल नोन क्वांटिटीज आर मिक्स्ड। अगला क्वेश्चन कीजिए प्लीज, ये नोट कर लें जी, आप क्वेश्चन जो है वो नोट कर लें, हम उसके बाद अलग उस पर जाके ट्राई करेंगे। क्वेश्चन क्वेश्चन नोट कर लें। जी तो आपने ये नोट कर लिया होगा क्वेश्चन, तो आगे चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन है फाइंड रेट इक्वेशन, रिएक्शन मैकेनिज्म पहले देख लो कि यार आपने देखा H3C, C डबल बॉन्ड O है, CH3 है, ये बन गया H3CCO नेगेटिव रेडिकल CH3CN, आपके पास H है CN, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देता है, और ये जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन भी इसको दे देगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन दे देगा, और यहाँ पे आपके पास के सी एन के पॉजिटिव प्लस सी एन नेगेटिव, तो सी एन नेगेटिव इसको दे देगा, ठीक है। उसके बाद H3C जो फाइनल चीज बन जाएगी COH CH3CN, ठीक है, ये बन जाता है आपके पास। ये जो पहला स्टेप था आपके पास, दिस इज द स्लो स्टेप, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व कर, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट 1/3, एक्सपेरिमेंट 1/3,
ठीक है, वैल्यू तो आपने लिखी नहीं है, सो टाइम वेस्ट के आगे चलते हैं। फॉर्मेट क्या होगा? रेट इज इक्वल्स टू के, की टोन है आपके पास ए, एच पॉजिटिव भी है बी, और सी एन नेगेटिव भी है सी। पहले एक्सपेरिमेंट में 1 है रेट, फिर के 0.020, ए 0.060, बी 0.060, सी रेट एक्सपेरिमेंट 3 में इज इक्वल्स टू के 0.020, ए 0.050, बी 0.060, सी। एक्सपेरिमेंट 1/3 करना है, ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। के कैंसिल, 1/1 हो जाता है, के कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, 0.6/0.0050, ए। सो 1 = 1.2 a, ठीक है। सो इसको आप 1.2 = 1.2, सॉरी ए नहीं है बी, बी बी एंड बी विल बी 0। हाँ जी, क्या समझ आया? नहीं समझ आया। एक्सपेरिमेंट 1/3 हमने कर दिया, ठीक है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन गिवन थी, सब चीज कॉन्सेंट्रेशन गिवन थी, रिलेटिव इनिशियल रेट भी आपके पास गिवन था, ठीक है। आपने 1/3 किया, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किया था, इस वाले में वो पता नहीं कहाँ गया। अच्छा, तो उसी तरह आपने इसको सॉल्व किया, जो चीजें कैंसिल होती थी वो आपने कैंसिल कर दी, आपके पास एक फाइनल चीज जो है वो ये आ गई। उसके बाद आपने ये निकाल दिया, उसके बाद आपने ये निकाल दिया, ये 1 = 1.2 b, सही है, 1.2 = 1.2 b कैसे हुआ? बहुत आपका क्वेश्चन ये होगा, 1.2 raised to power 1 कर दें, आप 1.2 raised to power 0 कर दें, तो एनीथिंग पावर टू 0 इज बेसिकली 1, ठीक है, तो 1.2, ठीक है। सो बी आपको 0 आ रहा है, एनीथिंग पावर टू 0 आप 10,000 भी 0 से करें तो 1 आएगा, आप 100,000 of 1,000 भी 0 से पावर करें तो आंसर आपके पास 1 ही आएगा, ठीक है। सो आपने 1.2 ले लिया, 1 की जगह 1.2 लेके 0 पावर कर, ताकि आंसर आपके पास 1 ही आएगा ना, ये चीज और ये चीज सेम है, ठीक है। अब ये आप इसकी, ये भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप इंडिसेस द्वारा पढ़ना शुरू कर दें, आई सजेस्ट, ठीक हो गया। इसमें आपने लिख लिया, अब ये तो आपके पास बी का ऑर्डर आया था, कोई और ऑर्डर भी आना है? अब एक्सपेरिमेंट 1/2 करते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट 1/2। अच्छा जी, 1 = k 0.020, ए 0.060, सी। इसमें आपने बेसिकली देखें, आपने देखा कि बी आपके पास 0 आ गया, ठीक है, ये बी था, ये आपके पास 0 आ गया, तो अगर बी 0 आ गया तो आप इस पूरे के पूरे कॉलम को ही इग्नोर कर दें, ठीक है, क्योंकि आप अब जो सी भी एक्सपेरिमेंट वो करेंगे तो उसमें आपके पास बी जो होगा वो 0 ही आ रहा होगा, तो इसको आप पूरा का पूरा कॉलम को इग्नोर कर देंगे बी वाले को। सो इसलिए मैंने यहाँ पे अब नहीं लिखा। अब 1/2 था, 2 में रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 0.833 है, दोबारा के 0.020, ए 0.050, सी। डिवाइड करें, 1.2 वन के 1.2 सी, सी इज 1, ठीक हो गया। ठीक हो गया,
इसी तरह 4 डिवाइड बाय 2 करें, बी और सी तो अब आपने निकाल लिया, ए भी तो निकालना है ना, तो 4 डिवाइडेड बाय 2, 4 को 2 से करना है, तो 1.042 = K 0.025A 0.050C, तो ये 0.833 K 0.020A 0.050C डिवाइड करना है ना, तो ये डिवाइड इसको इसको करो 1.25 शिट, टू फाइव इक्वल्स टू 1.25A, सो ए आपके पास आ जाता है 1। ठीक है, अब आपके पास ए आ गया 1, ए आ गया 1, बी आ गया 0, सी आ गया 1, तो रेट इक्वेशन आपके पास क्या हो गई, रेट इज इक्वल्स टू के कीटोन 1 Cn-1। ठीक है, ये मैंने आपको एक लिख दिया कि रेट इक्वेशन जो है वो ये है, एक तरीका ये, दूसरा तरीका रेट इक्वल्स टू के। अब इसमें आप देखें मैंने एच पॉजिटिव नहीं डाला, एच पॉजिटिव 0 आ गया, इसको इग्नोर कर दिया, 1 एच पॉजिटिव 0 Cn-1, ऐसे लिखोगे ना तो ये 0 1 1 शो, ऐसे लिखोगे तो 1 1 शो कर भी दो तो कोई मसला नहीं है, ना भी करो तो ऑलरेडी वो है कि ये 1 ही है। ठीक है, अच्छा जी ये वाला ट्राई करें आप, वही पुराना क्वेश्चन, फाइंड रेट इक्वेशन और के की वैल्यू फाइंड। ठीक है, फाइंड रेट इक्वेशन एंड वैल्यू ऑफ के। ठीक है, ट्राई करें हम। अच्छा जी, छोटा सा क्वेश्चन है बेटा, सबसे पहले हमने ए की ऑर्डर फाइंड करना होता है, सो सबसे पहले मैं मुझे लगता है कि मुझे 2 डिवाइडेड बाय 1 करना चाहिए, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 करो, 2.5 × 10⁻⁵ इज इक्वल्स टू के 0.2A 0.1B, 1 में क्या है 2.5 × 10⁻⁵ के 0.1A 0.1B, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, ये हो गया 1 0.2 डिवाइड बाय 0.1A 1 डिवाइड बाय 2 रेज पावर A, तो A विल बी 0 क्योंकि आप एनीथिंग पावर टू 0 इज 1, तो 2 रेज पावर 0 क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसी तरह अब जो हो वो बी की वैल्यू फाइंड करें, तो बी के लिए मैं कहता हूं कि मैं 3 डिवाइडेड बाय 1 ज्यादा सुटेबल लग रहा है मुझे, सो 3 डिवाइडेड बाय 1 5 × 10⁻⁵ इज इक्वल टू के 0.2B, अब ए तो 0 आ गया तो मैं इसको कर देता हूँ इग्नोर। ठीक है, इसको कर दो रिजेक्ट, इसको कर दो इग्नोर, ठीक है ना, जैसे वो तुम्हें करती है, के इज 0.1B। ठीक है, ये आ जाता 2, के कैंसिल, ये 2 रेज टू पावर B, अब B इज इक्वल टू 1, बेसिस सेम हो तो पावर भी सेम होती है, तो B इज 1, हेंस रेट इज इक्वल टू के A रेज टू पावर 0 B रेज टू पावर 1। ठीक है, K की वैल्यू फाइंड करने तो रेट 2.5 × 10⁻⁵ डालो, ठीक है, B जो है वो
0.1 डाल दो तो के क्या आएगा, 2.5 × 10⁻⁴ एस माइनस वन। ठीक हो गया, तू कहाँ कहाँ जा रहे। हाँ के अंडरस्टूड, नोट डाउन कर लें। इसके बाद फिर मैं आपको एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। अच्छा जी, नोट कर लिया आपने। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये मेरा अपना क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसमें और इसमें आपको क्या समझ आता है, ट्राई करें पहले, उसके बाद मैं फिर आपको आगे की हिकमत लाए अमल बताऊंगा कि आप इसमें क्या करें। ट्राई करें पहले, शाबाश। जी तो मुझे पता है कि आप में से किसी से हो नहीं रहा है क्वेश्चन, सो मैं ही कोई करता हूँ कुछ काम। मेरा पहली बात तो ये है कि आपके सिलेबस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस जो है जो 0, 1 और 2 है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से 0, 1, 2, 3 तक है, ठीक है। एक और ऑर्डर मैंने डाल दिया इसमें, क्या हो गया, ठीक है। सो अब इसमें आपको शायद प्रॉब्लम हो रहा है कि अब क्या करें। मुझे पता है कि आप लोग कहाँ जाके जो है वो अटक फंस गए हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। सबसे पहले उसी तरह करना है जैसे हम करते आ रहे हैं पिछले 3-4 क्वेश्चन। 2 / 1 मुझे सूटेबल लग रहा है, मैं 2 / 1 करता हूँ, ठीक है। रेट 9.72 × 10⁻⁴ इज इक्वल टू के 0.2 a 0.3 b 9 × 10⁻⁶ इज इक्वल टू के 0.1 a 0.1 b, ठीक है। अब आपने इसको डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड करके ये 1 और 8 आता है, के कैंसल, ये 2 raised to power a और ये 3 raised to power b, ठीक है। यहाँ पे आप जो हो वो आके स्टॉप हो गए हो कि आप क्या करें। अगला करते हैं, कोई मसला नहीं, 3 / 1 कर, नहीं, साइमल्टेनियस से नहीं करना, सुने ना। अब 3 / 1 देखो, 5.184 × 10⁻³ इज इक्वल टू के 0.3 a 0.4 b डिवाइडेड बाय 1, 9 × 10⁻⁶ इक्वल टू के 0.1 a 0.1 b। ये आता है 5.76 इज इक्वल टू 3 raised to power a 4 raised to power b। ये आपके पास आ गई एक, ये आपके पास आ गई दूसरी इक्वेशन। अब आप जो हो वो फंस गए हो कि अब हम क्या करें, ठीक है। अरे ठीक, ये क्या हो जाता है इसको, जी आप लोग हो गए हो परेशान कि अब इसको हम क्या करें। बेटा आपको बता दिया कि आपके सिलेबस में 0, 1, 2 ऑर्डर्स हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन 0, 1, 2 और 3 ऑर्डर्स में से है। अब ए देखो एक चीज का ऑर्डर, बी देखो दूसरी चीज का ऑर्डर। ये 0, 1, 2, 3 जो है वो यहाँ पे लगा के मेंटल मैथ्स करके आपने इसको सॉल्व करना है, सॉल्व।
ठीक है। 2 रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 0 तो बिल्कुल भी नहीं आता, 2 रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 1 भी नहीं आता, 2 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 2 भी नहीं आता, 2 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 3 भी नहीं आता। ठीक है, मैं अब पहले इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अब आपने देखा कि दोनों को 0 रखें, दोनों को 1 रखें, दोनों को 2 रखें, दोनों को 3 रखें तो 108 नहीं आता। अब आप शफल करते, 2 इज इक्वल टू 0 इज इंटू 3 रेज टू पावर 1 नहीं आता, 2 इंटू 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर 3 कर दे, ठीक है, कहाँ गया, 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर 3 कर दे, क्या आता है ये चेक करना पड़ेगा। अरे 3 रेज पावर 3, हाँ जी, तो 108 आ जाता है। ठीक है, आ गया आपके पास 108। अब तो इसका क्या मतलब है, A2 है, B3 है, अब ये जो है ये इसमें डाल के देखें, 3 रेज पावर 3 इंटू 4 रेज पावर 3 क्या आता है, 3 स्क्वायर इंटू 4 576 आ जाता है। इसका मतलब आपके पास आंसर जो है वो ये है, क्यों चेंज हो जाती है। ठीक हो गया, कुछ समझ आया थोड़ा, आगे और करेंगे क्वेश्चंस तो आपको आ जाएगा। ये मैंने क्वेश्चन करवाने का मकसद क्या था, ये क्वेश्चन करवाने का मकसद ये था कि आपका दिमाग और खुले, ये दिस इज द इस टाइप का क्वेश्चन, रेट इक्वेशन बनाना, के की वैल्यू फाइंड करना, ऑर्डर निकालना, दिस इज द हार्डेस्ट क्वेश्चन, इससे मुश्किल क्वेश्चन ना आएगा, ना आता है, ना कभी आया है, ना हमने देखा है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन कि आपको ए की वैल्यू और बी की वैल्यू खुद डिसाइड करनी हो, ये आप, दिस इज द हार्डेस्ट क्वेश्चन जो इसमें से निकाला जा सकते हैं। ठीक है, इससे मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएगा। और बेसिकली शायद बहुत सारे लोग ये कहें कि भाई तुक्का मारना है, तो तुक्का नहीं मारना, ठीक है, तुक्का कभी कभी उल्टा पड़ जाता है, मैथ्स करके, मैथ्स इस्तेमाल करनी है और अकल इस्तेमाल करनी है थोड़ी सी, तो हो जाएगा। और ऑर्डर ये तो सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, ठीक है, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है क्योंकि इसमें ऑर्डर 3 आ रही है, आपके सिलेबस में ऑर्डर 3 है ही नहीं। ठीक है, तो अगर आपके सिलेबस में 0, 1, 2 ऑर्डर में से इसी टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, तब आपने 0, 3 नंबर्स हैं आपके पास, 0, 1 और 2, तो उन्हीं को ही ऐसे शफल करके, इधर उधर करके, थोड़ी सी अकल लगा के आपने आंसर निकाल लेना है। आप जो भी आंसर निकालो, ए और बी, ये आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली ठीक होना चाहिए क्योंकि आपके पास देखो 2 रेज टू पावर a इंटू 3 रेज टू पावर b इज इक्वल टू 108, आपको बताया हुआ कि आप ऐसे ऑर्डर्स लगाओ, ऐसे पावर्स लगाओ कि आपके पास आंसर 108 ही आए। ठीक है, सो ये आपके पास बड़ा ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे नहीं लगता गलत हो सकता है, जिसमें अगर गलती हो सकती है तो वो आपके इसमें हो सकती है कि 2 डिवाइडेड बाय 1 करना है या 1 डिवाइडेड बाय 2 करना है, इसमें गलती हो सकती है, लेकिन ए की पावर निकालना, बी की पावर निकालने में गलती नहीं हो सकती।